बढ़िया काट ले। मऊ शहर का बाईपास रोड है जो आजमगढ़ की तरफ से ट्रैफिक आती है या बलिया की तरफ से आती है जो आजमगढ़ की तरफ जाती है, तो ये बंधा रोड आप दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी ट्रैफिक है इस पर। तो जो भी गाजीपुर तिराहा या आजमगढ़ तिराहे की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, बाईपास होकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बाईपास रोड है। इसको लोगों ने लगातार अतिक्रमण कर रखा है, पहले भी हटवाया गया था, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई टिन सेट लगा के उस पर बोरिंग लगा रहा है, कोई चाय की दुकान लगा रहा है, कोई गिट्टी रख लिया, कोई कबाड़ा का दुकान लगा लिया, कोई बालू रख लिया, तो इसी को खाली कराया जा रहा है। ये ट्रैफिक अगर विपरीत परिस्थितियों में भी त्यौहार आने वाले हैं तो भीतर जाम रहेगा, तो ये बाईपास रोड हमारा काम करेगा, लोगों को इस जन सामान्य के लिए यातायात इस पर सुगम रूप से चलता रहेगा। सर ये ग्रीन लैंड की जमीन, ये ग्रीन लैंड भी है यहाँ, ग्रीन लैंड में इधर किसी को परमिशन ही नहीं है कुछ भी रखने का या बनाने का। सर एक क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री किस व्यक्ति को बैठाया गया है, अब वो कुछ बोल रहा होगा तो उसके बारे में जांच कर लिया जाएगा क्या कह रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन का तो अलग विषय है, उनको दूसरी तरफ आना है, उससे इसका कोई मतलब नहीं। ये हमारा बाईपास रोड है तो बाईपास रोड पे हम चालू रखेंगे, अगर उधर ट्रैफिक डाइवर्जन होता है तो लोड इस पर आएगा, तो लोड इस पर आएगा तो गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी, ज़्यादा गाड़ियों को चलने के लिए रास्ता हमको चौड़ा चाहिए। अतिक्रमण किए हैं आप देख रहे हैं, गिट्टी बालू सब गिरा गिरा के रोड पर, तो उसको हटवाया जा रहा है।